मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेगा स्टार शाहरुख खान दीपिका पादुकोण टीम अप कर रहे हैं ईगरली वेटेड एक्शन एंटरटेनर पठान के लिए। मल्टीपल सोर्सेस से ये कंफर्म हुआ है कि इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इस फिल्म की शूटिंग लास्ट वीक ऑफ द मंथ में स्टार्ट होने वाली है मुंबई में। बता दें कि मुंबई में शूटिंग करने के बाद दीपिका और शाहरुख खान स्पेन के लिए रवाना होने वाले हैं कुछ एक्शन सीन्स शूट करने के लिए पठान के लिए। ये एक्शन सीन्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल होने वाले हैं और गेम चेंजर बताए जा रहे हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ साथ जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। जॉन अब्राहम इस फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट किरदार निभा रहे हैं एज वो विलन का किरदार निभा रहे हैं। शकुन बत्रा ने रिसेंटली रिलीज की अपनी फिल्म गहराइयां स्टारिंग दीपिका पादुकोण सिद्धांत चतुर्वेदी, जो काफी ज्यादा टॉक्स में बना हुआ है जब से रिलीज हुआ है। बता दें कि कई सारे व्यूअर्स को ये मूवी इतनी भी खास नहीं लगी, जहां फैंस जो हैं डिवाइडेड थे अपने अपने व्यूज को लेकर सोशल मीडिया पर। अब बता दें कि इसके बीच करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने एक्सीडेंटली रिपोस्ट किया एक मीम जो एक नेगेटिव रिव्यू था इस फिल्म का। यहाँ उन्होंने अपने स्टोरी में ये पोस्ट किया, द ओनली गहराइयाँ आफ्टर वॉचिंग गहराइयाँ आर द वंस इन माय ब्रेन बिकॉज ऑफ ऑल द ब्रेन डैमेज दैट मूवी गेव मी। ये पोस्ट किया करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने, जिसके बाद बता दे कि कई सारे नेटिजन्स जो हैं इस स्टोरी को रिपोस्ट करके मीम्स बना रहे हैं और साथ में ट्रोल कर रहे हैं। एक ने लिखा व्हाट द हेल हा हा हा, दूसरे ने लिखा टू द इंटर्न हु इज गेटिंग फायर्ड बिकॉज ऑफ माय ट्वीट आई एम सॉरी हा हा। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा वैलेंटाइंस डे में एक ट्रिपल डेट में नजर आए अलीबाग में। बता दे कि कुछ टाइम पहले ही शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन समीता शेट्टी अपने बॉयफ्रेंड राकेश बापट के साथ अलीबाग के लिए रवाना होती हुई नजर आई थी। शिल्पा की फ्रेंड आकांक्षा मल्होत्रा भी यहां अपने हस्बैंड रोहित अग्रवाल के साथ पहुंची। शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर कई सारे पिक्चर्स और वीडियो शेयर किए। इस ट्रिप से एक वीडियो में हम देख सकते हैं कि वो चल रही हैं राज के साथ और उन्होंने लिखा माय वैलेंटाइन एवरी डे लव एंड फेथ कीप अस गोइंग। ये पोस्ट उन्होंने शेयर किया। साथ ही साथ और भी कई सारी पिक्चर्स और वीडियोज आए हैं जिसमें हम शमिता और राकेश को देख सकते हैं। शमिता और राकेश का न्यू रिलेशनशिप है और नेटिजन्स इस रिलेशनशिप इस केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। सुजन खान जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है और वो एक्स वाइफ है एक्टर ऋतिक रोशन की, हाल ही में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया एक्टर और म्यूजिशियन सबा आजाद को। काफी टाइम से ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि सबा आजाद डेट कर रही हैं ऋतिक रोशन को। अब बता दें कि सुजन खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ग्लिम शेयर किया सभा का परफॉर्म करते हुए स्टेज पर एक इवेंट में मुंबई में, और उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा व्हाट एन अमेजिंग ईव, यू आर सुपर कूल एंड सुप्रीमली टैलेंटेड। उन्होंने सबा आजाद को टैग किया और साथ ही में बता दे कि उन्होंने सोहो हाउस इन मुंबई लोकेशन को भी टैग किया। बता दे कि सबा ने लिखा थैंक्स माई सूजी, सो हैप्पी यू वर देयर लास्ट नाइट। एक्ट्रेस दिया मिर्जा का काफी इवेंटफुल ईयर रहा था लास्ट ईयर 2021। एज लास्ट ईयर उनकी शादी हुई थी एंटरप्रेन्योर वैभव रेखी से। 15 फरवरी को उनकी शादी हुई थी और साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटे अवियान को भी वेलकम किया और आज उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। एक्टर प्रोड्यूसर ने एक टोस्ट शेयर किया अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने लिखा मैरिज इज अबाउट बैलेंस हार्मनी एंड कम्युनिकेशन, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट दैट आई मेट वैभव There was a deep connection and trust between us and everything that followed was simple, easy and effortless. I truly feel at home with him because he sees me as I am and has no desire to alter me. The same goes for me. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो करंटली ऑल गियर्ड अप है अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के रिलीज के लिए। बता दे कि अभी रिलीज में कुछ हफ्ते बाकी हैं, लेकिन मेकर्स ऑल सेट है इस फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। रिसेंटली आलिया भट्ट रवाना हुई बर्लिन के लिए अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ। दोनों बहनों को स्पॉट किया गया एयरपोर्ट पर, जहां उन्होंने अपना मोनोक्रोम लुक एस किया। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट यहां पेपराजी के लिए पोज करती हुई नजर आई आउटफिट्स के लिए और दोनों
काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। आलिया भट्ट ने ऑल वाइट आउटफिट में स्टंट किया और बता दे कि वो काफी ज्यादा ग्लैमरस और शीक नजर आईं। एक्टर विक्रांत मेसी और एक्ट्रेस शीतल ठाकुर दोनों ने अपना मैरिज जो है उसे रजिस्टर कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि कपल ने एक इंटरमेट वेडिंग किया था जहां सिर्फ उनकी क्लोज फैमिली ही नजर आई थी। रिपोर्ट्स पे ये भी लिखा हुआ है कि एक्टर और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया था कि वो अपने मैरिज को रजिस्टर करे। काफी टाइम से विक्रांत और शीतल एक दूसरे को डेट करते आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी कुछ पिक्चर्स शेयर करते हैं। विक्रांत मेसी की वर्क फ्रंट की बात करें तो वो करंटली शूट कर रहे हैं फिल्म गैसलाइट के लिए, जिसमें वो सारा अली खान के साथ नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन को लास्ट हमने देखा था फिल्म बॉब बिस्वास में। बता दे कि अब वो करंटली बिजी चल रहे हैं शूट करने के लिए अपनी अपकमिंग फिल्म आर बाल्की की फिल्म घूमर पंचगनी में। बता दें कि इस फिल्म में शबाना आजमी, श्यामी खेर और अंगद बेदी भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया है। उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होगा। सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस ही नहीं, उनका जो रोल होने वाला है इस फिल्म के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है। फिलहाल तो ज़्यादा डिटेल्स रिवील नहीं हुई हैं, बस इतना पता चला है कि बिग बी इस फिल्म में एक बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। द नाइट मैनेजर के रीमेक में आदित्य रॉय कपूर नजर आने वाले हैं। रिसेंटली इस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू हो गई थी। बता दें कि सोर्सेस की माने अब बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला इस प्रोजेक्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही हैं। वो फीमेल लीड के रोल में नजर आएंगी द नाइट मैनेजर के रीमेक में। मेकर्स को लगा कि ये एक्ट्रेस काफी ज्यादा परफेक्ट है इस रोल के लिए, वो प्ले करने जा रही हैं एलिजाबेथ दबिक्ची का रोल। पहले रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे थे कि इस रीमेक में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन नजर आएंगे, लेकिन डेट इश्यूज की वजह से उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया इस प्रोजेक्ट से और अब आदित्य रॉय कपूर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जहां ये वैलेंटाइंस डे कई सारे बॉलीवुड स्टार्स ने अपने अपने लवर्स और पार्टनर्स के साथ सेलिब्रेट किया, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी वैसे तो काफी टाइम से रूमर्ड रिलेशनशिप में चल रही हैं एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, लेकिन उन्होंने अपना वैलेंटाइंस डे अपने गर्ल गैंग के साथ सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया कि उन्होंने इस वैलेंटाइंस डे क्या किया। यहां पर हम देख सकते हैं ग्रुप में कि वो अपने गर्ल गैंग के साथ इस डे को सेलिब्रेट करती हुई नजर आई। वैलेंटाइंस डे के मूड को बरकरार रखते हुए कियारा आडवाणी ने रेड कलर का आउटफिट पहना, जिसमें वो काफी ज्यादा कैजुअल येट शीक नजर आ रही थी। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।